I welcome you all in my online classes so today's topic is tissue and this is chapter number six of class nines so um, uh, इन फर्स्ट पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंस बिटवीन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू क्या डिफरेंस है अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये टिश्यू के क्या होते हैं प्लांट में कैसे होते हैं और एनिमल में कैसे होते हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होते हैं मैरिसमेटिक और दूसरे होते हैं पार्मानेंट अब ये मेरिसमेटिक टिशू जो होंगे वो तीन तरह के होंगे जिसके बारे फर्स्ट हम लोग डील करते हैं मेरिसमेटिक टिशू अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें ये जो है वाटर है ये यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे प्याज है अनियन है आप देख सकते हैं रूट जो है ये रूट रहा है इसका और दूसरा भी जार बिल्कुल वही है पानी ही है इसमें अब इसमें क्या करना है दोनों इस जार नंबर टू में जार नंबर टू इज़ स अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको ऑब्ज़र्व करना है वन टू थ्री ऐसे करके ऑब्जर्व करना फोर्थ डे में इसका जो है वन सेंटीमीटर रूट टिप को काट देना है अब देखना है कि कंपेयर करना है कि उस जार में कैसा ग्रोथ हो रहा है रूट का इस जार में कैसा ग्रोथ हो रहा है फिर हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे जो है अब अब ये जो अ, जो जो ग्रोथ है प्लांट का वो लोकलाइज्ड होता है स्पेसिफिक रीज़न में प्लांट को आपने देखा होगा या तो ये टिप से ग्रो करता है सीधा ऊपर जाएगा रूट भी टिप से ग्रो करेगा सीधा जो है नीचे जाएगा तो एक तो हो जाएगा टिप से ग्रोथ करना यहाँ पे उसका मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रोथ रीज़न हो गया इसका या तो प्लांट जो है इधर से ग्रो करता है इसका चौड़ाई जो है वृत्त जो है बढ़ जाता है फिर या तो ये नोट से बढ़ता है आ, ये जो होगा या तो ये नोट नोट मीन्स वॉट हियर ये जो पॉइंट है अटैचमेंट का लीव्स का स्टेम से तो वहाँ से ग्रोथ होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी तो उसी के आधार पे ये ग्रोथ जहाँ जहाँ होगा ये मेरिस्टेम वहीं हो वहीं होगा क्योंकि ये जो मैसमेटिक टिश्यू है ये डिवाइडिंग टिश्यू है डिवाइडिंग टिश्यू से ही ग्रोथ होगा तो ग्रोथ जैसा मैंने बताया ये तीन जगह से ग्रोथ होता है तीन तरह का ग्रोथ होता है एक टिप पे दूसरा जो है गर्थ जो कि जो कि इधर अगर ये प्लांट है तो इधर वाला जो पार्ट होगा इधर से ग्रो करेगा और तीसरी बात है कि नोड के पास वाला एरिया जो होगा वहाँ से ग्रोथ होगा तो उसी आधार पर जो टिश्यूज हैं ये जो डिवाइडिंग टिश्यू है मिर्समेटिक टिश्यू है दे आर डिवाइड इनटू थ्री टाइप अब यहाँ पे तीन टाइप के टिश्यू हैं पहले ये नए सेल बनेंगे फिर नए सेल जो है थोड़े मेच्योर होंगे ग्रो करेंगे फिर थोड़ी सी चेंजेस आएंगे फिर ये डेफ्रेंसीट होंगे टिश्यू में तो यहाँ पे तीन तरह के टिश्यू हैं फर्स्ट इज़ एपिकल एपिकल मेरिस्टेम दैट इज़ जो ग्रोथ दे रहे हैं किसको टिप को दे रहे हैं प्लांट के लेंथ को बढ़ा रहे हैं इंटर कैलोरी जो कि नोड वाले एरिया में है और उसके बाद जो है लेटरल मेरिस्टेम जो गर्थ को बढ़ा रहे हैं जो चौड़ाई होगी जो उड जो बहुत ही मोटा होगा तो दैट जो जो गर्थ है उसको ये इंक्रीज इनक्रीज करें लेटरल मेरिस्टेम तो ये ये जो है तीन तरह के मेरिस्टेम हो गए जो स्टेम को बढ़ाए रूट को के लेंथ को बढ़ाए दूसरे गर्थ को बढ़ाए और तीसरे जो है ये जो है इसमें भी नोड के एरिया में भी ग्रोथ देखा जाता है आपने देखा होगा ब्रांचेज निकलते हैं तो ये सारे जो है ये तीनों मेरिस्टेम जो है थ्री तीन टाइप ताए, के मेडिस्टिम हो गए जो लोकलाइज्ड है स्पेसिफिक एरिया में नाउ अब ये सेल होते कैसे हैं क्योंकि ये न्यूली डिवाइडेड न्यूली बॉर्न सेल है तो न्यूली बॉर्न सेल है तो इनका जो सेल वॉल होगा सबसे पहले जो है सेल वॉल से बात करते तो उनका जो वॉल होगा वो थीन होगा न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होंगे न्यूक्लियस क्योंकि अभी बहुत कुछ मेच्योर होना है ग्रोथ होना है और डिवाइड जो डिसाइडिंग फैक्टर जो डिटरमाइन करता है जो न्यूक्लियस है तो ये जो है प्रोमिनेंट है तभी इसमें डिफ्रेंसीशन होगा तभी ये टिश्यू बन पाएगा अब इसमें साइटोप्लाज्म डेंस है क्योंकि बहुत सारे वर्क करने हैं क्योंकि सेल जो है पुराना नहीं हुआ न्यूली बॉर्न है और वैक्यूल क्या होंगे वैक्यूल जो होंगे उसमें नहीं होंगे दैट यू यू हैव टू रिमेंबर uh, इस मेरिसमेटिक टिश्यू में जो होंगे वो वैक्यूल होंगे ही नहीं जबकि वैक्यूल जो आपने देखा होगा कि इतने बड़े वैक्यूल थे कि उसने क्या कर दिया uh, न्यूक्लियस को भी साइड कर दिया अगर आ, कोई अनजाना आदमी देखेगा तो उसे लगेगा ये वैक्यूल नहीं ये न्यूक्लियस है बिकॉज़ हम लोग तो पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस जो है बीच में होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियस को क्या कर दिया साइड में कर दिया तो आ, दिस वाज मेरिसमेटिक टिश्यू। आई होप ये जो मेरिसमेटिक टिश्यू है वो आपको समझ में आ गया होगा अब हम लोग पढ़ते हैं परमानेंट टिशू सो वी आर गोइंग टू स्टडी परमानेंट शू यहाँ पे परमानेंट शू जो होंगे उनको uh, जैसे नाम है परमानेंट सो दि इज दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज मैथमेटिक में क्या था सेल जो है न्यूली बॉर्न है उसमें वैक्यूल नहीं है न्यूक्लियस जो प्रोमिनेंट है साइटोप्लाज्म डेंस है सारा कुछ न्यूली ये है, तो इनमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे इनका जो है मेच्योर होंगे ग्रो ग्रो करेंगे फिर एक टिश्यू में डेवलप करेंगे लेकिन ये परमानेंट टिश्यू क्या है परमानेंट टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू दे इज नो चेंज कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है ये टिश्यू ने परमानेंट शेप साइज़ फंक्शन को गेन कर लिया है जो उनको होना है वो होगा तो ये टिश्यू एक्चुअली डेवलप करते मर्समेटिक टिश्यू से ये टिश्यू क्या हो जाते और जो पहले जो होते हैं ये मर्समेटिक टिश्यू होते हैं लेकिन धीरे धीरे जब वो अपना जो है सेप साइज जैसे वो न्यूली बॉर्न हुए तो वो क्या हो गया मैरसमेटिक टिश्यू के अंदर आ गए बट जब ये, ये मैरसमेटिक ये जो है सेल जो है फॉर्म किए किएटिक मैरसमेटिक टिश्यू से तो वैसे ही क्या करेंगे ये सेल जो है वो स्पेसिफिक रोल लेना शुरू करेंगे और जो एबिलिटी है डिवीजन का वो ख़त्म हो जाएगा और ये बन जाएंगे परमानेंट टिश्यू और ये टिश्यू बनने के लिए उन्हें परमानेंट शेप साइज़ और फंक्शन को जो है गेन करना पड़ेगा उनका अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि वो परमानेंट टिश्यू नहीं बन पाएंगे क्योंकि परमानेंट मींस व्हाट कि जो चीज़ फिक्स है दे, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है तो ये जो प्रोसेस है कि परमानेंट सेप साइज़ और फंक्शन को करने का दैट इज़ कॉल्ड डेफ्रेंसीशन और डेफ्रेंसीशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो होंगे परमानेंट टिश्यू में उसको ये करने में क्या करेंगे डेफरेंस ये जो परमानेंट टिश्यू जो है इसमें अगर डेफ्रेंसीशन नहीं होगा डेफ्रेंसीशन होगा तभी ये परमानेंट टिश्यू में डेवलप होंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे ये तो मेरिसमेटिक टिश्यू से डेवलप हुए थे सेल जो फॉर्म किए थे उनमें डिवाइडिंग का डिवीजन का कैपेसिटी भी था लेकिन ये लॉस कर जाते हैं टाइम के साथ साथ और उसके बाद उनका सेप साइज़ जो है वो डिफ्रेंसीट कर जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिफ्रेंसीशन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक एक्टिविटी है तो इसमें हम लोगों को स्टीम को एक प्लांट के स्टीम को लेना है यू कैन टेक रूट ऑल्सो तो यहाँ पे जो स्टेम को क्या करना है जो स्लाइस करना है छोटे छोटे पीसेस में काटना है नाव अब इसमें क्या करना है सेफ्रनिन डालना है उसके बाद सेफ्रनिन के बाद एक नीटली सेक्शन जिसको देखना है हम लोगों को उसको स्लाइड में रखना है और उसके ऊपर ग्लिसरीन डालना है तो ग्लिसरीन डालने के बाद हम लोग जो है कंपेयर करेंगे क्या सारे जो सेल हैं सेम है क्या सारे सेल और उसी तरह हम लोगों को रूट का भी देखना है अब देखो यहाँ पे जो है क्या सारे सेल सेम है तो ये स्टेम का सेक्शन लिया गया है तो यहाँ पे जो है लेंथ वाइज काटा गया है इधर लेंथ वाइज और इधर वेथ वाइज काटा गया है तो ये जो है इस तरह का आप देख सकते हैं कि क्या सारे सेल सेम हैं तो ये क्वाइट डिफरेंट है ये सारे सेल उसी तरह हम लोग रूट में भी ये सब करेंगे अब देखेंगे इस आधार पे जो है अब ये जो परमानेंट टिश्यू है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अदर इज़ कॉम्प्लेक्स permanent issue that we are going to study in next part so thank you